हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सुमेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा काले लिनक्स के टर्मिनल पर है कि इसके टर्मिनल को आप कैसे मैनेज कर सकेंगे और ये कैसा होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ये साइट पे आपको फेवरेट बार नज़र आ रही है जिसमें फायरफॉक्स है। ये सेकंड पे आपको टर्मिनल लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अगर इस बार में अवेलेबल ना हो तो नीचे ये शो एप्लीकेशंस के जो डॉट हैं इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑल करेंगे। जब ऑल करेंगे तो आपको कुछ ऐप्स शो करेगा, ये तीन डॉट्स हैं। यहाँ आप इसे स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रॉल वर्किंग नहीं कर रहा तो ये डॉट पर क्लिक करें तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे दिखाएगा ऐप्स। ठीक है, तो इसमें इधर आपको टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। अगर इधर भी अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आपको सर्च करें, आप सर्च करें टर्मिनल, इसे लिख कर आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। एक और बात, अगर आपको इधर भी नहीं मिलता सर्च करने से तो एप्लीकेशंस में इसे ड्रैग डाउन करने से आप ये सेकंड पे ये अवेलेबल होता है, ये या इस लाइन में आपको कहीं भी दिख सकता है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसे ओपन किया है। अभी ये टर्मिनल है लिनक्स का, काले लिनक्स का, और ये इसकी टाइटल बार है, जो रूट है टाइटल सुमेशन लिखा हुआ है। नीचे मेन्यू बार है और ये प्रॉम्प्ट है इसकी, और ये सारा वर्किंग एरिया प्रॉम्प्ट ये वाली है। आप ये शो कर रही है रूट एट आईडी सुमेशन, रूट यूजर जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, एट आईटी सुमेशन ये मशीन का होस्ट नेम है। ठीक है, और ये कॉलन के बाद जो ये टिल्ड साइन शो कर रहा है ये उसकी डायरेक्टरी को शो कर रहा है कि ये अपनी होम डायरेक्टरी में अवेलेबल है। और ये जो पाउंड साइन हैश का साइन है ये रूट यूजर को शो करता है, सिस्टम के लोकल यूजर को शो नहीं करता। रूट और लोकल यूजर में फर्क ये होता है कि रूट यूजर आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे तमाम राइट्स होते हैं कि वो सिस्टम में तमाम टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, और जो लोकल यूजर होता है उसे तमाम प्रिविलेजेस और परमिशंस नहीं होती, उसे कुछ टास्क परफॉर्म करने की इजाज़त होती है। ठीक है, तो उसका अगर वो लॉगिन करेगा तो उसका इधर डॉलर साइन शो करेगा, तो उसके बाद ये जो कर्सर आपको ब्लिंक करता इधर नज़र आता है ये होता है वर्किंग एरिया। यहाँ पर आप कमांड टाइप करते हैं तो उसकी नीचे कैरिज रिटर्न में इन रिटर्न आपको उसकी आउटपुट शो की जाती है। तो फाइल्स में ये न्यू टैब है, आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। सेकंड, न्यू विंडो, अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली एक और विंडो ओपन हो जाए तो आप यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करके आप दूसरी विंडो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे एग्जिट करता हूँ क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर क्लोज टैब करना चाहें, अगर आपने न्यू टैब खोली भी है तो आप क्लोज टैब करना चाहें, इस पर क्लिक करके ये टैब क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज विंडो करना चाहें तो ये विंडो आपसे हमने जो आपने ओपन किया वो क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने के बाद इसे मैं ओपन करता हूँ दोबारा से, इसकी मजीद जो मालूम है वो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। आगे है एडिट में, कॉपी है, कॉपी एज एचटीएमएल है, ये डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, इसकी ज़रूरत नहीं होती। और पेस्ट है, सेलेक्ट ऑल और प्रेफरेंसेस। ठीक है, इसका मैं आपको प्रेफरेंसेस का भी बताता हूँ। व्यू में है शो मेन्यू बार, ये जो मेन्यू बार शो कर रही है ये इसके लिए है। फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, F11 प्रेस करने से ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। अगर F11 दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, और सर्च में फाइंड है, ये आप देख सकते हैं टर्मिनल में ये उसका साइज है, उसको आप सेट करेक्टरिस्टिक्स, आप उसको सेटिंग कर सकते हैं इसके करेक्टर्स की, इनकोडिंग जो भी आपने सेट करनी है इसकी। और हेल्प है इसकी, कॉन्टेंट्स इसमें क्लिक कर सकते हैं आप, इसके अंदर मजीद मालूम अवेलेबल होती हैं। इसका जो टर्मिनल है, इसकी गेटिंग स्टार्टेड है, कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, यूज टैब, ओवरव्यू ऑफ ए टर्मिनल, और कॉपी एंड पेस्ट, हाइपरलिंक्स, ईमेल एड्रेसेस, टेक्स्ट सिलेक्शन, सेफ कंटेंट्स एंड मैनी मोर। ठीक है,
अब मैंने प्रेफरेंसेस का आपको कहा था कि वो बताऊंगा, प्रेफरेंसेस में क्लिक करता हूं मैं। इसके लिए मैं सॉरी दोबारा बताऊं आपको, एडिट में गया, प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया, ठीक है। और ये टर्मिनल की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबल में ये इसका टर्मिनल का इनिशियल टर्मिनल साइज़ है, ये कस्टम आप अगर आप इसे कस्टम अपनी मर्जी का इसकी साइज सेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आगे फॉन्ट उसका जो डिफॉल्ट में होता है मोनोस्पेस रेगुलर है, और साइज इसका जो लिखाई है उसकी जो फॉन्ट है वो 12 पे है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं अभी ये 12 पर है, यानी 12 है इसका फॉन्ट साइज, तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा मैं प्रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे चेंज करके देखते हैं। अगर चेंज नहीं, यानी कि डिफॉल्ट में ये चेक होता, ठीक है, सॉरी चेक नहीं होता, ये मैंने सेटिंग पहले थोड़ी चेंज की थी, तो इसके लिए माजरत, आपको दोबारा बता दूं मैं। कस्टम पे क्लिक करेंगे आप तो ये शो हो जाएगा, इससे पहले ये वाटरमार्क शो करेगा और ये सिलेक्ट नहीं होगा। कस्टम पे क्लिक करना है, ये इस पर क्लिक करेंगे मोनोस्पेस रेगुलर पे, तो यहाँ पर आप जो चाहें जैसा फ़ोन चाहें आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आपको दिखा दूं कि मैंने नोट 2 मोनो बोल्ड इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 12 है, मैं इसे यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं इसे इस प्लस साइन से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, और इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि बाहर से मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसके बाद सेल स्पेसिंग है, अलाउ ब्लिंकिंग है, इसके बाद अलाउ ब्लिंकिंग टेक्स्ट है, और इसके बाद मैंने आपको बताना है कि कर्सर शेप है, ब्लॉक चाहिए आपको, आई बीम चाहिए, यानी कि जिसे आप पाइप साइन भी कहते हैं, ब्लॉक अभी ये शो कर रहा है, ये देखें ये ब्लिंक जो कर रहा है ये कर्सर, ये ब्लॉक में है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसे आई बीम आ जाए, पाइप साइन आ जाए, तो वो पाइप साइन शो करेगा, तो ऐसे से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में कलर है, आप यूज़ कलर फ्रॉम सिस्टम थीम, अगर इसे अभी डिफ़ॉल्ट में जो है वो ऐसे सेट है, यानी कि बैकग्राउंड इसकी नज़र आ रही है जो वॉलपेपर हमने लगाया हुआ, बल्कि डिफ़ॉल्ट में होता ही है, और ये ट्रांसपेरेंसी में है। अगर यूज़ कलर फ्रॉम सिस्टम थीम अगर इसे चेक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में जो सिस्टम का कलर होता है वो आपको दे रहा है, कुछ ऐसे होता ही है, वाइट होती है वर्किंग एरिया में और आपको ये प्रॉम्प्ट शो कर रहा होता है। इसे मैं अनचेक कर रहा हूँ। इसके बाद अगर चाहें तो वाइट ऑन, ये बिल्ट इन स्कीम्स कलर कुछ है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं आप, यानी मैं इसे कर रहा हूँ ब्लैक ऑन वाइट है मेरा, तो मैं इसे ग्रे ऑन ब्लैक कर रहा हूँ, तो ये देखें आप देखेंगे ये मेरे सारे टेक्स्ट ग्रे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड है, अगर इसे अनचेक करेंगे तो आपका वॉलपेपर जो है वो शो नहीं करेगा, ये देखें आपके सामने वो बिल्कुल ब्लैक हुआ। अगर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो आपको वो उसी हिसाब से ये शो करेगा। इसके बाद पैलेट्स हैं, इन्हें भी आप लिनक्स कंसोल को आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग है, कमांड है, कंपेटिबिलिटी है, ये कुछ फॉन्ट से रिलेटेड है, और कुछ आपके जो डिलीट की जनरेट्स, इनकोडिंग UTF और एम्बिगुअस विड्थ करेक्टर, इनसे रिलेटेड आपकी ये सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं अगर। और इसके बाद ये जनरल है, शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से भी आप टर्मिनल की काफ़ी हद तक इसकी ना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोफाइल में है, प्रोफाइल में ये है कि आप अभी मेरी प्रोफाइल जो है ये डिफ़ॉल्ट वाली अननेम्ड शो करता है, आप अपनी मर्जी से भी ऐड करवा सकते हैं। जब ऐड करवाएंगे, मैं ये देखें एक लिनक्स के नाम से ऐड करवाता हूँ, क्रिएट किया और फाइल में जाऊंगा, जब न्यू टैब करूंगा, पहले इधर ये मेन्यू नहीं था, ठीक है, अब ये लिनक्स आ चुका है। अब मैं इसे ओपन करूंगा,
तो लिनक्स के नाम की एक टैब इधर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये वर्किंग में आप काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वक्त मुनासिब पर आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।